इन नोटिसेस पे आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसीज कह रही हैं कि ये झुग्गियां तो अवैध है, ये मकान तो अवैध है, इनका कब्जा तो अवैध है। 2 महीने के अंदर अंदर ये अवैध हो गए। 2 महीने पहले जब आपको चुनाव में वोट चाहिए था तो आप इन्हीं झुग्गी वालों को, इन्हीं गरीबों को कह रहे थे कि जहां पर तुम्हारी झुग्गी है वहीं पर हम मकान देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो अवैध हो गए, वो इलीगल हो गए, वो अवैध कब्जा करने वाले हो गए, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हो गए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि आपका झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया है, आपका असली गरीब विरोधी चेहरा पूरी दिल्ली के सामने आ गया है, और आज दिल्ली की जनता को पता चल गया है कि आपकी असली मंशा क्या है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहती हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं, हम दिल्ली के किसी भी गरीब के मकान पर, हम किसी भी गरीब की झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे जब तक उसकी पुनर्वास की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूं कि आप दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के झुग्गी वालों को, चाहे वो कालका जी में रहते हैं, चाहे वो तुगलकाबाद में रहते हैं, चाहे वो मैरोली में रहते हैं, चाहे वो बदरपुर के सुभाष कैंप में रहते हैं, आप उन्हें डराइए मत, आप उनको धमकाइए मत। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनकी आवाज बन के लड़ेंगे। और कल सुबह 11:30 बजे इन इलाकों के लोग, इन झुग्गियों के लोग, ये छोटे छोटे मकानों में रहने वाले लोग, तुगलकाबाद गांव से, कालकाजी से, सुभाष कैंप से, मेहरोली से और दिल्ली के अनेकों झुग्गियों से जहां पर डिमोलिशन का नोटिस लगा है, हम सब मिलकर रमेश बिधूड़ी जी जो इस इलाके के सांसद हैं उनके घर जाएंगे और उनसे मिलेंगे, और अगर वो नहीं मिले तो उनके घर के बाहर दिल्ली के लोग, दिल्ली के झुग्गी वाले उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।